बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। तो चलिए जी, आज हम बना रहे चिकन हंगामा। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास 650 ग्राम चिकन है जो बोनलेस में है, और एक दो हड्डी भी मैंने डाल ली हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे इसकी मेरीनेशन की बारी आई है, तो यहाँ पे हम मेरीनेशन करेंगे इसको। तो यहाँ पे इसमें डाल देती हूँ नमक, और इसी के साथ में मैं डाल दूंगी 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में डाल दूंगी 1 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये फ्रेश पेस्ट है हमारा, पिसा हुआ है। तो 1 चम्मच ये डाल देती हूँ, साथ में इसके दही डाल दूंगी, आधा कप दही ले लेती हूँ। अरे, सबको साथ में हम मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम मिक्स करके इसको हम 25 मिनट या 30 मिनट हम इसको दे देंगे टाइम, ताकि ये मसाले है तो इसमें बहुत अच्छे से लग जाए। चलिए, चिकन की मैरिनेशन हो गई, इसको ढक के मैं रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। तो चलिए जी, यहाँ पे एक कढ़ाई रखी हूँ, यहाँ पे मैं आधा कप के करीब इसमें तेल डाल देती हूँ। एक बड़ी साइज की प्याज को कट करी हूँ, ये इसमें डाल देती हूँ। इसको हमें ज़्यादा कलर नहीं लाना है, खाली हमें इसे सॉफ्ट करना है। चलिए, यहाँ पे मैंने 20 से 25 काजू ली हूँ, ये भी इसमें डाल देती हूँ, और साथ ही में प्याज के साथ में इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए, प्याज और काजू हमारे फ्राई हो चुके हैं। गैस को बंद कर देती है और इसको बाहर निकाल लेती हूँ, और इसमें आधा कप पानी डाल के इसका मैं एक पेस्ट बना लूंगी। प्याज को मैंने निकाल ली हूँ, और यहाँ पे देखिए, अभी ये वही तेल में से थोड़ा सा ऑयल मैंने कम कर ली हूँ, और यहाँ पे अभी चिकन को हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डाल देती हूँ चिकन को मैं, और इसको इस पर अच्छे ब्राउन स्पॉट आने तक का इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ज़रा मैंने बड़ी क्यूब में बोटी रखी हूँ, आप चाहे तो आपके मनपसंद रखिए जिस तरीके से आपको चाहिए। तो यहाँ पे सारी बोटियों को डाल देती हूँ मैं, और अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, मिक्सी के जार में डाल दी हूँ, और अभी आधा कप के करीब पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट बारीक सा बना लेती हूँ। इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कितनी ज़बरदस्त चिकन है हमारी, फ्राई हो रही है। तो चलिए जी, यहाँ देखिए, चिकन हमारी है तो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम। अब देखिए, सारी बोटियों को मैंने बाहर निकाल, मैं सेम तेल यूज़ कर रही हूँ, मैं दूसरा भी तेल डाल देती हूँ। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। भून लेते मसाले को अच्छे से, अदरक लहसुन को भुना गया, साथ ही में हम टमाटर के पेस्ट को भी भून लेंगे। 2 टमाटर इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना ली हूँ, और इसी के साथ में इसको भून लेते हैं टमाटर को भी। यहाँ पे देखिए, टमाटर का पेस्ट भी हमारे अदरक लहसुन के साथ भुने जा रहा है अच्छी तरह से। तो अभी साथ में कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए, मेरे पास 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तो ये डाल देती हूँ इसमें, इससे कलर अच्छा आएगा। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और यहाँ पे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डाल देती हूँ, और इनको इसको बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते, मसाले को भून लेते। इसमें नमक डालेंगे ग्रेवी के हिसाब का, चिकन का नमक चिकन के अंदर है। यहाँ देखिए, मसाले तो बहुत अच्छे से भुने गए हमारे। तो अभी साथ में जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट बनाया है, ये इसमें डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी पेस्ट है, इसी से हमारे साल चिकन हंगामा को टेस्ट आने वाला है। और ये जो भी मिक्सी के जार में मसाले हैं, तो उसी में उसमें भी पानी हम डाल के वो भी डालेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी मसाला है वो। अच्छे से यहाँ भून लेती हूँ इसको, मैं भी पानी डाल के ये भी इसमें डाल देती हूँ, और एक बार फिर से इसको चला लेती हूँ अच्छी तरह से, और इस पर मैं ढक्कन दे देती हूँ। अभी ये कलर ऐसा वाइट दिख रहा है अपने को, लेकिन मसाला भूनते भूनते में इसका कलर आ जाएगा। तो इस पर रखती हूँ अभी ढक्कन। तो चलिए, जो थोड़े मसाले हमारे जो चिकन को मैरिनेशन किए थे वो मसाले बचे, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, ज़ाया नहीं करेंगे कोई भी मसाले, सब ज़बरदस्त मसाले टेस्टी है। तो यहाँ पे इसको भून लेते हैं, और इस पर अब मैं देती हूँ ढक्कन। डालती हूँ चिकन, देखिए 4 से 5 हरी मिर्चों को डाल देती हूँ, और इसके साथ ही में अभी हम थोड़ा सा आधा कप के करीब दूध इसमें ऐड करेंगे, और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। और तो इसको ढक्कन देके अभी मैं रख देती हूँ, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। चिकन हमारी पूरी तरह से पकी नहीं है, अभी इसको मैं ढक लेती हूँ। यहाँ पे डाल देती थोड़ी सी कसूरी मेथी,
साथ में डाल दूंगी हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते एक बार। फ्रेश क्रीम डाल देती हूँ थोड़ी से, आप चाहे तो दूध की मलाई डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ, गैस को बंद कर देती हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी,